हे एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो। अब इस वीडियो में देखेंगे कैसे एक थीम को इंस्टॉल करने के बाद हम उसे कस्टमाइज करेंगे एंड देन फर्दर एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव फर्दर। हम जाएंगे अपीयरेंस में और अपीयरेंस में जाएंगे एक न्यू थीम के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक न्यू थीम के लिए जाएंगे, तो हमको यहाँ पे ऐड न्यू करना है, ऐड न्यू थीम। अब यहाँ पे आने के बाद हम एक थीम लेंगे जिसका नाम है अस्त्र। ठीक है, ASTRA, अस्त्र। अब अस्त्र सर्च मारती देखे, सबसे पहला आएगा ये वाला थीम, ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये वाला थीम हम इंस्टॉल कर लेंगे। अब इस थीम को जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसे करना है एक्टिवेट। तो जैसा आपका नेट चलेगा वैसे ये हो जाएगा, देन एक्टिवेट कर लेते हैं इसे। अब इसे एक्टिवेट करने के बाद मोस्टली हमें क्या करना है, आप इसको जब एक्टिवेट करेंगे तो आपको देखो ऐसा ऊपर ऑप्शन आएगा, ठीक है, जो कि कहेगा थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग आस्त्रा एंड नेक्स्ट फीचर को गेट स्टार्टेड। तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे बेसिकली क्लिक करना है गेट स्टार्टेड पर। गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर लो फटाक से एंड देन ये कुछ ही टाइम में अपने इंस्टॉलेशन पास और एक्टिवेशन पास शुरू कर देगा। नेक्स्ट यहाँ पे ऐसा आने के बाद यहाँ पे करना है आपको बिल्ड योर वेबसाइट नाउ। यहाँ पे आपको ये पूछ रहा है कि आपको किससे बनाना है। ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक एडिटर, एलिमेंटर और बिहेवियर बिल्डर है। सो आप या तो ब्लॉक एडिटर यूज कर लें या तो एलिमेंटर। सो मैं बेसिकली यूज करने वाला हूँ एलिमेंटर, आप भी एलिमेंटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेमो मिल जाएंगे जिसको आप इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ फ्री भी हैं और कुछ पेड भी हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव टू योर सेक्शन। अब हमें यहाँ पे सर्च करना है ई कॉमर्स। ठीक है, सो लेट्स सर्च ई कॉमर्स। अब यहाँ पे आएंगे तो देखो यहाँ पे बहुत सारे ई कॉमर्स के आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगे। ओह सॉरी, ई कॉमर्स डबल एम। ठीक है, अब ई कॉमर्स में सर्च करने के बाद देखो यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के टेम्पलेट्स और डेमो बेसिकली मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो डेमो आपको अच्छा लग रहा हो और आपके हिसाब से आपकी वेबसाइट को एक अच्छा खासा लुक और यूआई दे, आप वो डेमो यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो देर आर टन्स ऑफ यूआई एंड डेमो, जैसे कि ये भी अच्छा दिख रहा है एंड देन नेक्स्ट वी कैन यूज दिस वन टू, ये भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग दिख रहा है दिखने में। सो ऐसे ही चलो समझ लो हम ये वाला यूआई ले लेते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे करना है, यहाँ पे स्किप एंड कंटिन्यू करते हैं हम। अब इसके यहाँ पे और भी चीज़ें पूछ रहा है कि लाइक आपको यहाँ इसके टेक्स्ट क्या रखने हैं, जैसे कि अगर मैं ऐसा रख लूँ तो कोई मोटा हो गया, देन अगर मैं ऐसा रख लूँ तो ये कुछ ऐसे में हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास कलर स्कीम्स भी है, जैसे अगर मैं येलो स्कीम्स ले लूँ तो ये अच्छा दिख रहा है। लाइक वी कैन यूज मल्टीपल टाइप्स ऑफ कलर, सो लेट्स यूज दिस वन कलर्स। इसके बाद हम करते हैं कंटिन्यू। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपका नाम क्या है, आपका वर्क ईमेल, फिर आप कौन है एंड देन वर्क लाइक और भी चीज़ें। ठीक है, सो लेट्स मैं लिखता हूँ, मेरा नाम अभिनव है, मेरा वर्क ईमेल मैं जा देता हूँ जो मैं रखता हूँ अपना, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ठीक है, यहाँ पे कर दिया। नेक्स्ट मैं क्या हूँ, मैं फिलहाल मैं यहाँ पे इंटरमीडिएट देता हूँ, आप भी इंटरमीडिएट रह सकते हैं या फिर बिगिनर रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आई एम बिल्डिंग वेबसाइट फॉर माई सेल्फ, ठीक है, या फिर माई कंपनी, आई एग्री टू रिसीव, नहीं ठीक है, देखो इसको क्लिक मत करना, अगर आप इसके न्यूज़ लेटर चाहते हो तो करो वरना मत करो, तो मैं नहीं कर रहा। ठीक है, फिर यहाँ पे आ रहा है इंपोर्ट कस्टमर सेटिंग्स, इंपोर्ट विजेट्स, इंस्टॉल रिक्वायर्ड प्लगइन्स। तो यहाँ पे हर एक चीज़ देखना आपने क्लिक किया हो। ठीक है, नेक्स्ट सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट। अब इस पर क्लिक करने के बाद कुछ ही सेकेंड्स या फिर कुछ ही टाइम्स में ये पूरा का पूरा डेमो इंपोर्ट कर लेगा। सो लेट्स वेट फॉर सम टाइम। नेक्स्ट आफ्टर सम टाइम्स आपको देखो यहाँ पे दिख रहा है कि व्यू योर वेबसाइट, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने इतने टाइम लाइक इतने मिनट्स लिए एंड आपकी वेबसाइट बिल्ड हो गई। ठीक है, सो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें व्यू योर वेबसाइट करना है। तो अभी हमारा वेबसाइट हमें दिखा देगा जो बेसिकली इस डोमेन पे अवेलेबल है। अगर मैं इसको भी रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे भी हमको हमारी वेबसाइट देखने मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लोड हो रहा है और यहाँ पे भी लोड हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे हमको फ्री में एक डेमो इंपोर्ट करके मिल गया जहाँ पे हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट खुद से सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ हमको बहुत सी चीज़ें पहले से बनी बनाई मिल गई, जैसे कि हमारे एक स्टोर सेक्शन, यहाँ पे कितने सारे स्टोर है, एक प्लांट्स, कैक्टस, हम इससे और भी बड़ा कर सकते हैं, लाइक टी शर्ट्स, शर्ट्स, पैंट्स, शूज, इसी के साथ अबाउट अस जो कि यहाँ पे बना बना हमें मिल गया हमारे वेबसाइट पे। देन नेक्स्ट हमें एक कॉन्टैक्ट, देखिए यहाँ पे हमको मिल गया अबाउट अस, देन यहाँ पे हमें मिल गया एक कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, और ये सब बना है हमारा एलिमेंटर में, ये रहा हमारा कॉन्टैक्ट अस विथ विथ रिस्पॉन्सिव कॉन्टैक्ट अस फॉर्म और एक मैप के साथ। नेक्स्ट हमें मिल गया माई अकाउंट, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा पर्सन है जिसको लॉगिन आप चाहते हैं कि जो लॉगिन करे तो लॉगिन कर सकता है। तो ये देखिए हेलो अभिनव, नॉट अभी लॉगिन नहीं हूँ मैं फिलहाल। तो यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ आपको आपका डैशबोर्ड, ऑर्डर, डाउनलोड, एड्रेस, अकाउंट डिटेल्स, लॉग आउट आपको यहाँ पे सब देखने मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए यहाँ पे प्राइस दिखा रहा है कि आप अगर समझ लो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं होम में जाऊँ, ठीक है,
और यहाँ पे देखो आपको दो ऑप्शन है, एक आपको कार्ड दिख रहा है, लाइक मैंने अभी कितने यू नो ऑप्शंस कितने सारे अभी शॉपिंग के लिए विश लिस्ट में रखा है, और यहाँ पे कितना प्राइस होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नीचे जाऊँ और समझ लो मैं इसको रख लूँ, ठीक है, ब्यूटीफुल प्लांट वेरियंस में जाओ, ठीक है, अब समझ लो मैं इसके अंदर जाता हूँ, ये इसके अंदर, अब इस प्लांट में अगर मैं जाऊँ और इसको ओपन करूँ तो यहाँ देखो ऐड टू कार्ट करके आ रहा है। अगर मैं इसे ऐड टू कार्ट करूँ, ठीक है, तो यहाँ देखना, अब यहाँ देखो चेंजेस हो गए, देखो $34 का दिख रहा है और मुझे एक यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं यहीं पर, यहाँ पे देखिए मैं बढ़ा भी सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये 6 पीस लेना चाहूँगा, ये सेम प्लांट ऐड टू कार्ट कर दूँ, अब इसे यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक अपडेट होगा $238, 7 यू नो मतलब पे एक पहले से था एंड उसके बाद मैंने 6 और लिया। इसी के साथ साथ हम जाएंगे जब व्यू कार्ड पे, तो हमको और यू नो आगे की पेमेंट्स एंड ऑल देखने मिलेगा। यहाँ पे ये देखिए आप फोटोज को ऐसे करके भी देख सकते हैं, एकदम प्यारा सा। नेक्स्ट यहाँ पे और भी चीज़ें आपको दिख जाएंगी सेम कैटेगरीज में। नेक्स्ट अगर मैं व्यू कार्ड करूँ या फिर इसमें भी क्लिक करके अगर मैं जाऊँ जा सकता हूँ, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है मुझको कि कितने मेरे यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे कूपन भी ऐड कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे आके मैं अपना यू नो कार्ड अपडेट और यू नो मतलब उसे बेसिकली कस्टमाइज कर सकता हूँ, फिर प्रोसीड टू चेक आउट, लाइक अगर मैं पेमेंट पेमेंट भी कर सकता हूँ ऑनलाइन। यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे देखो फिलहाल लिख के आ रहा है कि सॉरी इट सीम्स देयर आर नो अवेलेबल पेमेंट, बट हम इसमें एक पेमेंट यू नो एक पेमेंट गेटवे ऐड करेंगे बेसिकली अपने यू नो लर्निंग पर्पज़ के लिए। फिर यहाँ उसके बाद जब यूज़र यहाँ पे सब डिटेल भर के यहाँ पे प्लेस ऑर्डर करेगा, तब वो यू नो यहाँ से बेसिकली अपना ऑर्डर यू नो परचेज कर पाएगा और बेसिकली अपना ऑर्डर प्लेस कर पाएगा, ठीक है। सो लेट्स मूव फर्दर। यहाँ पे अगर आप जैसे यहाँ से ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है, अब समझ लो यूज़र ने आपके यहाँ से ऑर्डर प्लेस किया, अब इफ़ इन द केस आपने देखा होगा कि आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से देखिए आप ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं, बट ऑर्डर प्लेस करने के बाद क्या, तो वो एक यू नो आपको एक आईडी देता है। तो देर आर टू वेज जिससे आप लॉगिन करते हैं, या आप तो पहले से लॉगिन कर ले, या आप जिस पर्सपेक्टिव यू नो वेबसाइट पे वो आपको एक आईडी देते हैं, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे अपने आप को यू नो एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो ये खुद से अपने आप से आपको एक आईडी जनरेट करके दे देगा, जिससे आप यहाँ पर आकर उस आईडी और पासवर्ड से बेसिकली आपके यूजर नेम और पासवर्ड से आप लॉगिन कर पाएंगे अपने आप को, या फिर अनदर ऑप्शन होता है आप खुद से एक अपना अकाउंट क्रिएट कर लें, ठीक है। सो दैट्स इट, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।